जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक कवि रमेंद्र त्रिपाठी जी के साथ वीरेन डंगवाल को लेकर। तो हम लोग चर्चा शुरू करें, उसके पहले उनकी एक लंबी कविता है इलाहाबाद 1970, जी। और उसमें वो आपको याद करते हैं और बहुत करीने से याद करते हैं। तो उस कविता के कुछ पंक्तियों के साथ वो कहते हैं कि जी छूटते हुए छोकरेपन का गम करके एक नियामत है दोसा। जी काफी हाउस में थे कुछ लघु मानव कुछ महामानव, जी जी दो चेगुवारा। मनुष्य मनुष्य था मेरे साथ रमेंद्र, उसके जी पास थे 4.5 रुपये। तो क्या आप देखिए, वीरेन डंगवाल से मेरा इतना आत्मीय रिश्ता रहा है, एक कवि के रूप में ही नहीं, बहुत मित्र के रूप में। हम लोग एक कमरे में रहते थे और रात दिन साथ रहते थे, और ये रिश्ता कायम हुआ जब वो इलाहाबाद पहली बार आए 1967 में, तब से। और जो रिश्ता बना वो आजीवन बना ही रहा। तो जैसा कि जब उनको दुष्चक्र के श्रेष्ठा पर साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला, तो उसमें जो पुरस्कार का जो वक्तव्य होता है उसमें उसने तीन चीजों का उल्लेख किया था, जहां तक मुझे स्मरण है, कि उनकी कविताओं में उसकी कविताओं में तीन चीजें, एक तो प्रेम, दूसरा प्रतिबद्धता और तीसरा प्रतिरोध। तो ये तीन चीजों में जो सबसे प्रमुख जो तत्व था, जो मुझे लगता है कि उसके पूरे साहित्यिक जीवन का, उसके व्यक्तिगत जीवन का जो निर्णायक तत्व था, वो प्रेम था। वो प्रेम से सरोबोर जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति वैसा ही था। तो इस कविता जिसका उल्लेख किया आपने, ये कविता उन दिनों की है जब हम सभी लोग विद्यार्थी थे, और मुझे वो संदर्भ भी मालूम है, जो लघु मानव महामान वो जिनका उल्लेख है उसमें, जो दो चे गुवारा जो थे क्रांतिकारी लोग, उनके विषय में भी मालूम है, नाम लेना उचित नहीं होगा। तो कुछ बड़ा अजीब सा माहौल था, मतलब इलाहाबाद के कॉफी हाउस का ये माहौल ये था कि यदि आपके जेब में पैसे नहीं हैं, तो अब आप किसी की टेबल पर बैठ जाएं तो ये अपेक्षा मत करें, ये उसकी सदाशयता भले हो कि आपको एक कप कॉफी पिला दे, या आपको डोसा खिला दे, या आपको पकोड़े खिला दे, या बड़े खिला दे, ये उसकी सदाशयता हो सकती है या उसके मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इलाहाबाद के कॉफी हाउस में सामान्य रूप से लोग अवॉइड करते थे कहीं किसी पर, तो ये बहुत निजी आत्मीय संदर्भ है। हम लोग डबल सवारी, मतलब एक साइकिल तब 10 पैसे घंटे प्रति घंटे साइकिल मिलती थी किराए पर, यूनिवर्सिटी रोड पर मिलती थी, वहां से साइकिल लिया तो अब एक ही साइकिल को अफोर्ड करना मुश्किल होता था, तो जाहिर है कि वो थोड़ा कमजोर सा था, तो
उसकी लंबाई भी कम थी, तो ये दायित्व तो मेरे ऊपर ही था कि मैं उसको बैठा के कैरियर पर या फिर आगे बैठा के वहां तक जाऊं। तो वो होता था, रोज ही का ये था, जब तक कभी अकेले वीरेन चले गए या कभी मैं अकेले चला गया, वो अलग बात है। तो ये संदर्भ उसी ये उन्हीं दिनों का है जब हम लोग डबल साइकिल पर बैठ के जाते थे कॉफी हाउस, और उस दिन संडे था। मुझे याद है जिस समय ये कविता जिस दिन लिखी गई, वो वहीं बैठ के उसने चार मीनार सिगरेट के पैकेट पर ये इन पंक्तियों को लिखा। बाद में ये कविता लंबी होती गई, इसमें गफ्फार भी आ गए, और 1982 तक का इसमें संदर्भ रहा, लेकिन प्रारंभ में ये कविता बहुत छोटी थी। तो अब संडे के दिन होता यह है कि शाम को, दिन में तो स्पेशल भोजन मिलता था मेस में, लेकिन शाम खाली होती थी। तो अब शाम हो गया, शाम जाहिर है कि देर रात तक हम लोग बैठते थे काफी आउट, तो उसको भूख लगाई। भूख लगाई तो वो उसने हमसे कोई चर्चा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये भी वैसे ही पक्कड़ है, लेकिन ये जरूर था कि मैं अनुवाद अनुवाद करता था, कभी कहानी में अनुवाद करके सतीश जमाली को दे दिया, कभी नई कहानी प्रमोद सिन्हा उस समय निकालते थे, कभी उनको उनकी कहानी में 20-25 रुपए मिल जाते थे। तो उन दिनों 20-25 रुपए का भी बहुत महत्व था। तो ये जानकारी उसको केवल उतनी होती थी, ये मैं छिपा के रखता था कि ये उसको केवल इतनी जानकारी होती थी जो घर से मिलता है। तो उसको अंदाजा था, क्योंकि पैसे वही लेता था, वीरेन डंगवाल ही मनी ऑर्डर रिसीव करता था, मेरा नाम मेरा लिखता था। डाकिये को भी यही मालूम था कि रमेंद्र त्रिपाठी यही है, क्योंकि हमेशा उसी ने लिया और कभी उसने मुझे दिया नहीं। वो अपने पास रखता था, जो मेरे पिताजी या बड़े भाई साहब जो पैसा भेजते थे, वो फिर उसके मूड पर है, या तो मेस वेस का देने के बाद जितना बच गया, या तो एक दिन में उसने खत्म कर दिया, या फिर उसको महीने भर खींचता था। तो वो एक एक तरह से गृहिणी की तरह था, और मैं बिल्कुल इन चीजों की चिंता नहीं करता था। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता था कि जो मैं मुतफर्रिक जो मैं कमाई कर लेता था अनुवाद वगैरह के माध्यम से, या कभी कभी जिनमान में कुछ विदेशी कविताओं का अनुवाद करके जो आखिरी पेज होता था, गिरधराठी तो करते ही थे, कभी कभी मुझे भी उनके सौजन्य से अवसर मिल जाता था, तो उसमें 40-50 रुपए मिल जाते थे। तो उन दिनों इन चीजों का बहुत महत्व था। तो उसको लग गए, उसको भूख लगी। भूख लगी तो उसने पहले जो जिन चे ग्वारा लोगों का उल्लेख है, जो दढ़ियल हमारे दोस्त थे, उनके पास वो गया। उसने बिल्कुल बेबाकी से कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे डोसा खिलाओ। उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, मना कर दिया। फिर वो लघु मानव और जो महामानव जिनका उल्लेख है, उनके पास तो जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब मित्रों ने मना कर दिया तो उस समय फिर वो घूमता रहा काफी देर तक, सिगरेट उगरेट पीता रहा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतने बेचैन क्यों हो और कारण क्या है? तो उसने कहा कि यार हमको लग गई है भूख, और हॉस्टल में खाना मिलेगा नहीं, मेस आज बंद है,
मैं इस चक्कर में था कि दोस्त मुझे कुछ खिला देंगे, तेरे पास तो होता नहीं है पैसा, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो सब मेरे पास होता है जो मैं खर्च कर चुका हूं। तो हमने कहा कि तू मेरे पास बैठ, तुमको ये खाना है। तो फिर मैंने अपनी जेब टटोला तो उसमें सचमुच 4.5 रुपए ही मिले, लेकिन 4.5 रुपए बहुत थे। 4.5 रुपए थे और एक वसंत करके एक बेरर थे, बसंत से मेरी दोस्ती थी। वो दोस्ती इसलिए भी थी कि कभी-कभी पैसे न हो तो वसंत उधार की कॉफी, उधार का डोसा खिला देते थे, और अगले दिन बड़ी ईमानदारी के साथ अगले दिन या उसके अगले दिन जब भी पैसा हो तो हम लोग उनका पेमेंट कर देते थे। और वो कॉफी हाउस में जो टिप मिलता था उनको, वो टिप से वो हमारा पेमेंट कर देते थे। तो ये एक व्यवस्था थी। तो मैं तो आश्वस्त था कि कुछ नहीं है तो वसंत तो है ही है। वसंत भी पहाड़ के ही थे और वो गढ़वाल के ही थे, तो उत्तरकाशी के थे। तो लेकिन ये इसको मैंने एक हथियार की तरह बहुत गोपन रखा था कि ऐसा न हो कि सभी मेरे नाम पर खाने लगे तो फिर तो मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा। तो ये मेरे वसंत बिल्कुल गोपन हथियार की तरह थे। जब कुछ नहीं होता था तो वो सिगरेट भी पिला देते थे, मतलब बाहर सिगरेट मिलती थी तो ये तो वो। वीरेन जी तो बहुत सुखी संपन्न परिवार के थे। नहीं, वो ठीक थे। वीरेन के पिता रघुनंदन प्रसाद डंगवाल बरेली में एडीएम जुडिशियल थे। इनके बड़े भाई शिवनंदन प्रसाद डंगवाल वो आईपीएस अधिकारी थे मध्य प्रदेश में, और किसी जिले के कप्तान थे उस समय शुरुआती नौकरी में। मतलब पैसे उसको भी मिलते थे और पैसे मुझे भी मिलते थे। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं होती थी उस जमाने में। 100 रुपए घर से मिलना और 100 रुपए हमारे भाई साहब भेजते थे, तो 200 रुपये बहुत था। और इसके अलावा जो मेरी ऊपरी आमदनी मैं इधर उधर लिख पढ़ के कर लेता था, अनुवाद वगैरह मौलिक चीजें, तो उसका पैसा वैसा तो मिलता नहीं था, लेकिन अनुवाद का पैसा मिल जाता था। तो वो कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो जितना पैसा आया है, चाहे आप उसको 2 दिन में अब एलचिको में यदि आप बैठ गए या गेलार्ड में बैठ गए या निरंजन टाकीज के बगल के में एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट था, यदि आपने वहां खाना खाना शुरू कर दिया 2 दिन 3 दिन तो चल जाएगा। लेकिन कठिनाई यही थी। डंगवाल बहुत अच्छे परिवार का था, संपन्न परिवार का था, मैं भी बहुत ठीक ठाक परिवार का था, लेकिन कुल मिला के ये किल्लत बनी रहती थी। तो ये वही उसने ये कविता वही सिगरेट के पैकेट पर किसी बैरर से कलम वलम मांग के कुछ लिखा। और बाद में उसने मुझे बताया भी, क्योंकि अपनी कविता सुनाने में मुझे सुनाने में वो बहुत संकोच का अनुभव करता था। वो क्योंकि मैं हमेशा उसको ये राय देता था कि तुम एक एक इसका ड्राफ्ट और लिखो, इसको और परिमार्जित करो। वो कहता था कि तुम शुक्ल के नाती हो, शुक्ल जी के, और हम एक ड्राफ्ट में कविता लिखते हैं, तुम कहते हो कि इसमें डिक्शन की कमी है, ये है, तो तुमको मैं कविता। वो केवल उन लोगों को कविता सुनाता था बड़े संकोच के साथ। शुरुआती दिनों की बात मैं बता रहा हूं, किसी
गोष्ठी वगैरह में भी वो काव्य पाठ नहीं करता था, केवल जो बहुत आत्मीय भाव से उसकी कविता को सुनते थे और मुग्ध होते थे केवल उन्हीं लोगों में, लेकिन मैं उस श्रेणी में नहीं था। मैं कुछ न कुछ टिप्पणी करता था, तो इसलिए मेरा रूममेट था वो, हम लोग एक कमरे में रहते थे, लेकिन और ये नहीं था कि उसका कमरा अलग था मेरा कमरा अलग था, लेकिन उसका कमरा हमेशा बंद रहता था। वो स्थायी रूप से मेरे साथ ही रहने का, उसकी मन वो रह ही नहीं सकता था, वो अकेले रहने की उसकी आदत भी नहीं थी, और वो लगातार इतना सोशल, इतना सामाजिक, और जैसा मैंने बताया कि प्रेम से इतना लबरेज था वो, उसके उसके अंदर अंदर तो धारा बहती रहती थी। मतलब आप विश्वास करें कि जितने हम लोगों के हॉस्टल में काम करने वाले लोग थे, जो चाहे वो चौकीदार हों, चाहे वो सेवक हों, सबसे इतने इतने प्रेम से बात करना कि सब उसके मुरीद थे। भैया ने कुछ कह दिया तो वो फिर और चाहे वो गुप्ता जी की कैंटीन हो या एक धांधु लेके आते थे, मिठाई लेके आते थे, समोसे लेके आते थे, इतने प्रेम से कि वो जबरदस्ती गाजर का हलवा वगैरह देते, भैया एकर पैसा मत दी है आप। वो मतलब इतना प्रेम से भरा हुआ था, तो वहाँ ये कविता अद्वितीय। की वहाँ जो महफिल है वो कैसे जमती थी, उसमें कौन कौन लोग रहते थे? देखिए कविता की महफिल तो उसने जमाना शुरू किया, उसमें देखिए अनिवार्य रूप से गिरधर राठी रहते थे, उसमें अनिवार्य रूप से लक्ष्मण सिंह बिष्ट भट्टरोही रहते थे, अनिवार्य रूप से सईद रहते थे, जो थे तो भुवाली के, लेकिन वो भी तीसरे सदस्य के रूप में मेरे कमरे में ही रहते थे। वो भी ये दोनों एक चौकी पर ही सोते थे, बड़ी मित्रता थी दोनों में, और दोनों अलग नहीं रहते। आजकल वो फिनलैंड में है, बहुत अच्छे पेंटर, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और बहुत ख्याति है उनकी फिनलैंड में भी और पूरे यूरोप में। तो लेकिन शुरुआती दिनों में लगभग 2 वर्ष वो साथ ही रहे, और उसी कमरे में, कमरा नंबर 108 में सर गंगानाथ झा हॉस्टल का वो कमरा मेरी स्मृति में आज भी ताजा है कि हम 3 लोग रहते थे, लेकिन कितने प्रसन्न, कितने खुश, मतलब और जो कविता की महफिल आपने पूछा, जो प्रश्न किया, तो उसमें अजय सिंह, नीलाभ, गिरधर राठी, और जाहिर है सईद और मैं, ये इतने लोग तो अपरिहार्य रूप से होते ही थे। बाद में हम लोगों के एक मित्र, बहुत विद्वान मित्र हमारे साथ जुड़े, श्री शिव किशोर तिवारी, जो असम और मेघालय के मुख्य सचिव से रिटायर होने के बाद आजकल लखनऊ में ही सेटिल हैं। वो बहुत विद्वान थे और क्लास फेलो थे वो डंगवाल के, हिंदी में उन्होंने, हिंदी में, जबकि उनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर उनका समान अधिकार था, तो वो भी फिर बैठने लगे। तो इस तरह से ये 5-6 लोगों की ये थी, और थोड़ा वो समय कुछ दूसरा समय था। आप 67 का दौर याद करें तो ये नक्सलबाड़ी का समय था,
जब नक्सलबाड़ी आंदोलन बहुत तीव्र था और कानू सान्याल और चारू मजूमदार ये लोग एक आइडियल की तरह एक बिल्कुल आदर्श नेता के रूप में हम लोगों के बीच में भी इनका स्मरण होता था। नीलकांत जी भी शामिल होते थे कभी-कभी, लेकिन वो चूंकि बहुत सक्रिय थे राजनीति में, इसलिए वो प्रायः तो नहीं आ पाते थे, लेकिन वो कभी-कभी शामिल होते थे। और उनकी पहचान ये थी कि वो एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी, जिसने कंपैरेटिव लिटरेचर पर, जिसने पाश्चात्य साहित्य का भी बहुत अध्ययन किया, और जो मार्क्सवाद पर उनसे बेहतर जानकारी वाला कोई व्यक्ति उस समय इलाहाबाद में था नहीं, ये निर्विवाद था। तो वो भी कभी कभी आते थे, और कुछ विपथगामी भी हम लोग हो गए थे, विशेष रूप से डंगवाल। डंगवाल की जो कंपनी थी, वो उस कंपनी में चाहे नीलाभ हो या और दो चार जो साहित्य के लोग नहीं थे, विनय पांडे, जयकिशन ढौंडियाल, परमेश डंगवाल, ये सारे लोग थे जो गैर साहित्यिक थे, लेकिन इनके साथ भी वीरेन का बहुत गहरा रिश्ता था। तो थोड़ा सा वो क्रांतिकारिता उस उनकी समय इस कविता को देखते हैं, एक उनकी कविता है मसला। जी। उनकी इस कविता को देखते हैं, वो लिखते हैं कि बेईमान सजे बजे हैं, तो क्या हम मान लें कि बेईमानी भी एक सजावट है? जी बेईमान सजे बजे हैं, तो क्या हम मान ले कि बेईमानी भी एक सजावट है? कातिल मजे में है, तो क्या हम मान ले कि कत्ल करना मजेदार काम है? कातिल जी 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 मजे में है, तो क्या हम मान ले कि कत्ल करना मजेदार काम है? मसला मनुष्य का है, इसलिए हम तो हरगिज नहीं मानेंगे कि मसले जाने के लिए ही बना है मनुष्य। जी हाँ जी हाँ नहीं तो लेकिन यह कविता ये तो नक्सली भी नहीं है, नक्सली मिजाज की भी तो कविता नहीं लग रही है ये, लेकिन थोड़ा सा नहीं, संक्षिप्त जो ऐसा है। वो 70 के दशक में वीरेन डंगवाल ने लिखना शुरू किया, और 80 के दशक तक आते आते जो एक हिंदी कविता को एक भूमि प्राप्त हो गई, मतलब एक जिसमें बहुत लफाजी भी नहीं थी, जिसमें शोरशेबाजी भी बहुत नहीं थी, जिसमें बहुत जिसको वो कहते हैं कि जो प्रगतिशील कविताओं में वो जो बहुत ज्यादा फतवेबाजी की प्रवृत्ति, अब वो स्थिर कविता थी। तो शुरुआती जो कविताएं हैं, हालांकि कुल जो नवारुण प्रेस से उसकी एक एंथोलॉजी जो छपी थी, संजय जोशी ने छापा था, उसमें तो 227 कविताओं का उल्लेख है, लेकिन प्रारंभ की बहुत सारी कविताएं जो, क्योंकि व्यवस्थित लेखन उसकी आदत नहीं थी, कभी इधर लिख दिया कभी उधर लिख दिया, तो इस तरह 227 नहीं बल्कि शुरुआती दिनों की बहुत सारी कविताएं तो वो इकट्ठा भी नहीं कर पाया, और उसी में से जो 227 कविताएं हैं, मुझे
ऐसा बताया गया कि पंकज चतुर्वेदी ने राजकमल प्रेस से उसके जन्मदिन पर 5 अगस्त को वो 75 वर्ष का हो जाता यदि होता हमारे साथ, तो उसी में से 112 कविताएं प्रतिनिधि कविताओं के रूप में छपी है जो राजकमल ने अभी 5 अगस्त को छापा। तो शुरुआती जो कविताएं थी उसमें तो उसमें उसमें काफी कुछ मिलेगा। डंगवाल की कविताओं में भी बहुत भावावेश वाली कविताएं थी, प्रेम से लबरेज तो थी लेकिन भावावेश बहुत था, भावुकता बहुत थी, और पहाड़ियों में पहाड़ के लोगों में ये भावुकता कुछ ज्यादा ही होती है। तो जो एक नॉस्टैल्जिया, जो पहाड़ों को लेके जो एक नॉस्टैल्जिया थी, वो बर्फ से आच्छादित हिमाच्छादित पहाड़, वो देवदार, वो के वृक्ष, पुराण के वृक्ष, चिनार, तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में बहुत बुरी तरह से वो आक्रांत था। क्योंकि देखिए वो 5 अगस्त 1947 को पैदा हुआ था। 5 अगस्त 1947 का मतलब ये हुआ कि भारत की स्वतंत्रता से 10 दिन पूर्व, मतलब वो गुलाम भारत में पैदा हुआ। और लेकिन जब वो उसकी चेतना जागृत हुई होगी तो 10 दिन में बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो अब कम से कम अपनी माँ को पहचानने लगते हैं, माँ के स्पर्श को पहचानने लगते हैं। तो वो स्पर्श जो था वो आजाद स्वतंत्र देश का था। लेकिन शुरुआती दिनों में जो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे प्रभाव, मार्क्सवादियों के बहुत प्रभाव थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के बहुत प्रभाव थे, और उसी में थोड़ा विपथगामी होने की प्रवृत्ति भी थी। जैसे सिगरेट पीना तो एक आम बात थी, लेकिन उन दिनों गांजा का भी प्रचलन हो गया था, लोग ज्वाइंट पीते थे, गांजे को सिगरेट में भर के आधा गांजा आधा सिगरेट, तो ये सारी प्रवृत्तियां थी। और उसके बीच में जो कविता निकलती थी वो कविता अपने सही भावभूमि की कविता नहीं थी। और धीरे धीरे जब 71 में उसकी नौकरी लग गई, 71 में वो बरेली कॉलेज में अध्यापक हो गया, वही अमर उजाला के लोगों से, अमर उजाला के जो मालिक थे वो उसके विद्यार्थी भी थे, तो वही उनसे भी परिचय हुआ। तो एक पत्रकारिता का जीवन भी, वो सलाहकार संपादक भी रहा, कानपुर एडिशन का संपादक भी था, प्रधान संपादक था। तो इस तरह से, और रविवासरी जो अमर उजाला का होता था, जिसका पहाड़ों पर और कोई अखबार आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहां आपको अमर उजाला जरूर मिलेगा। तो उसका कारण ये था कि बरेली से आवागमन बहुत आसान था, अब तो शिमला से भी निकलने लगा। तो इस तरह से वो पत्रकार भी है, और उसके कविताओं में एक मैच्योरिटी, एक एक वयस्कता जो काव्य की थी वो उसने प्राप्त किया धीरे धीरे। किससे लेकिन प्रभावित थे? देखिए प्रभावित यदि कहा जाए तो निराला उसके सर्वाधिक प्रिय कवि थे, और निराला का प्रभाव भी वीरेन डंगवाल की कविताओं पर आप
सकते हैं, चाहे वो अयोध्या प्रजावाद, अयोध्या की वो पहले संग्रह की कविताएं हो, या दूसरे संग्रह की कविताएं हो, या स्याही ताल जो तीसरा संग्रह था उनका, उसकी कविताओं कविताएं हो, जो छंद के प्रति, लय के प्रति और संगीत के प्रति जो आकर्षण था, वो निराला से निराला का स्पष्ट प्रभाव था। और डंगवाल कहता भी था कि यदि महाकवि केवल निराला को ही महाकवि, उसने कभी पंत जी को, हालांकि वो पहाड़ के प्रति उसका अनुराग बहुत था, लेकिन उसने कभी पंत को महाकवि नहीं माना, या इवन महादेवी जी को भी नहीं माना। यदि किसी को महाकवि माना तो वो केवल और केवल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही उसने स्वीकार किया था अंदर से, और कुछ हद तक प्रसाद जी की जो कामायनी थी उसका वो बहुत प्रशंसक था, और जो उसने थीसिस प्रतीकों और बिंबों पर उसकी जो थीसिस थी, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के मार्गदर्शन में उसने पूरा किया, वो भी अद्भुत किताब है। मतलब वो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उसमें जैसा कि शोध में होता है कि 10 किताबों को इकट्ठा कर लीजिए और थोड़ा भाषांतरण करके और आप एक अपनी थीसिस सिनॉप्सिस बना लीजिए, फिर उसको अध्याय उसके लिखते जाइए और आपको मिल जाएगा, अवार्ड हो जाएगा। लेकिन ये बहुत निराले ढंग से इसने अपना, जिसको लेके वो बहुत आश्वस्त नहीं थे। कई बार रामस्वरूप जी ने मुझे बुला के कहा कि ये गंभीर नहीं है, ये विनयशील तो बहुत है, पैर छूता है, सब कुछ करता है, ये मुझे ये पसंद भी बहुत है, लेकिन रिसर्च के प्रति इसके मन में जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब एक्सटेम्पोर लिखा करता था, और धीरे धीरे ऐसे करते हुए लगभग 16 महीने में तो नहीं, 3-4 वर्ष में इसने अपनी वो थीसिस पूरी कर लिया, और वो बिल्कुल मौलिक है, उसमें आपको कोई प्रभाव कहीं से नहीं। अब ये दूसरी बात है कि उसके स्वतः के चिंतन में ही कुछ प्रभाव आ गए, इतना निराला का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है उसकी कविताओं पर, उस प्रभाव को उसने स्वीकार किया है। तो आप और जगह आप और वो दोनों नौकरी में रहते हुए कहाँ कहाँ फिर मुलाकात हुई, फिर कैसे फिर संबंध आगे बढ़े? देखिए, नौकरी उसको पहले लग गई थी, तो बरेली तो मैं सिविल लाइन में उसका जो अलॉटमेंट का बहुत बड़ा मकान था उनके पिताजी का, शुरू में उसी में रहते थे, बाद में डंगवाल ने अपना अलग मकान बनवा लिया, और उस मकान को छोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके नाम पर वो अलॉट हो जाता, वो पिता के नहीं रहने पर, क्योंकि वहीं बरेली कॉलेज में ये अध्यापक थे, लेकिन नैतिक रूप से इसने उचित नहीं समझा और उस मकान को इसने छोड़ दिया। तो मैं प्रायः जब तक नौकरी नहीं थी तब तक मेरा समय तो वहीं बीतता था, और बरेली कॉलेज में उनके साथ जाता आता था, लेकिन खैर बहुत जल्दी मुझे भी नौकरी लग गई और मैं चला गया अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस में, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस में, वहां ACP हो गया,
अंडमान निकोबार उस जमाने में बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, आज की तरह नहीं था। आज तो कलकत्ते से आप गए होंगे कई बार, आज तो चमन हो गया है वो। पहले बहादुर राम टम्टा डेवलपमेंट कमिश्नर थे और 5 लीटर पानी मिलता था टोटल, उसी में आपको स्नान भी करना है, पीना भी है, क्योंकि पानी भी बाहर से आता था। रिश्ता था वो कायम रहा, चाहे मैं अंडमान निकोबार भी चला गया, वहां भी वीरेन पहुंचा, लेकिन इतने कष्ट में फिर उसने कहा कि चलो तुम मुदर्रिस तुमको बनवा देंगे, मुदर्रिस माने अध्यापक, और इस नौकरी से ये नौकरी तुम्हारे करने लायक नहीं है, इसको छोड़ दो। और केवल वीरेन के कहने पर मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया दिया। फिर 72 में था और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कष्ट था, क्योंकि देखिए समुद्र में स्नान करने से रैशेज पूरे शरीर में हो गए थे, क्योंकि 5 लीटर में संभव नहीं था। तो मैं समुद्र में नहाता था तो रैशेज हो गए, वो लाल लाल चकत्ते पड़ गए पूरे शरीर पर, और शारीरिक रूप से भी मुझे बहुत कष्ट होता था। एक तो वर्दी पहनने में अब वो इतनी खुजली होती थी कि बहुत कष्ट था। तो वो तो एक वीरेन डंगवाल ने कहा, और हमारे पिताजी तो कहते ही रहते थे कि इसको छोड़ दो, लेकिन वीरेन डंगवाल वो गया खुद, उसने कहा चलो मैं तुमको मुदर्रिस बनवा दूंगा, मुदर्रिस मतलब अध्यापक, मैं तुमको डिग्री कॉलेज में कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम इसको छोड़ दो। क्योंकि ये मुझे मालूम था कि बहादुर राम टम्टा साहब पहाड़ के ही थे, पिथौरागढ़ के थे, उन्होंने ये बताया था कि देखो कुछ दिन का की तकलीफ है, उसके बाद तुम दिल्ली चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको लेके थोड़ा, लेकिन वो उसको इंस्टिगेट जो जिसको कहा जाए कि उद्दीप्त कर दिया वीरेन डंगवाल ने, वीरेन डंगवाल कहा कहा इस नौकरी में छोड़ो इसको, और तुम्हारे पास इतने चांस अभी बाकी हैं, यदि तुमको मतलब वो जिस तरह भाषा में बोलते थे कि साले तुमको नौकरी ही करना है, तो तुम्हारे पास तो अभी बहुत चांस बाकी है, तुम फिर एफर्ट करो, जरूरी है कि केवल ये नौकरी करो। और दूसरे पुलिस की नौकरी के प्रति मेरे मन में भी बहुत आग्रह नहीं था, और डंगवाल मैंने वीरेन तो बिल्कुल उसका परम विरोधी था, जबकि उसके सगे बड़े भाई आईपीएस थे, एसएनपी डंगवाल, शिवनंदन प्रसाद डंगवाल, लेकिन वो बहुत चिढ़ता था। तो वो एक एक कारण था, उसके कहने पर जरूर मैंने नौकरी छोड़ दिया, और लेकिन कहीं न कहीं से मतलब मेरे मन में भी ये इच्छा थी, और फिर धीरे धीरे ये संबंध तो प्रगाढ़ हो ही चुका था, वो संबंध ऐसा था ही नहीं कि वो नौकरी में आने के बाद वो टूट जाए या छूट जाए। भले हम लोग वर्षों न मिले, लेकिन जब भी मिलते थे तो भाव वही होता था, बात के परवर्ती वर्षों में वो भी बहुत बड़ा कवि हो गया, बहुत सारे उसके संबंध डेवलप हो गए, बहुत सारे दोस्त उसके हो गए, लिखने पढ़ने वाले लोगों की एक बड़ी जमात हो गई, दिल्ली में उसके बहुत सारे दोस्त थे, और प्रेस क्लब में मतलब मैंने उसके साथ रह के देखा है कि वो कितना लोकप्रिय था, चाहे वो नई पीढ़ी के लोग हों, चाहे उस
उसके समकालीन लोग हों या उससे वरिष्ठ लोग हों, ये केदारनाथ जी, रघुवीर सहाय और ये जो वरिष्ठ पीढ़ी के लोग थे वो भी उससे उतना ही स्नेह करते थे, और जो समकालीन थे आलोक धनवा, राजेश जोशी, विजेंद्र, ये वेणुगोपाल, ये भी या मंगलेश डबराल, ये भी वीरेन से वैसा ही प्रेम करते थे। ये मैंने देखा कि वो तो अजात शत्रु था, और यदि उसकी कविता की मुझे याद है कि रामपुर के बाग को लेके उसकी एक कविता उसने लिखा, जिसकी मंगलेश डबराल ने बड़ी आलोचना किया और ये कहा कि ये कविता बहुत कमजोर कविता है, बहुत कमजोर कविता है, जबकि वो बहुत मजबूत कविता थी। लेकिन अब उसका धुन था मंगलेश की एक लाइक्स और डिसलाइक्स की अपनी वो अपना एक निकष था उसका, तो उसने बिल्कुल तुतलाते हुए, हकलाते हुए और लगातार बोलते हुए ये एस्टेब्लिश किया कि तुम्हारी सबसे कमजोर कविता है, जबकि वो कविता बहुत खलिश पैदा करने वाली कविता है। वो जैसे आपके अंदर का जो एकांत है उसको मुखर करने वाली कविता है, और मुझे वो व्यक्तिगत रूप से वो कविता बहुत प्रिय है। तो धीरे धीरे हमने ये अनुभव किया कि उसका जो खिलंजड़पन था वो भले कविता में भी समय समय पर विभिन्न रूपों में आता था, लेकिन जिन दिनों वो अस्वस्थ था और गंभीर रूप से अस्वस्थ, क्या उसी दौरान सृष्टा की तरफ उनका ध्यान गया, जिस समय के बारे में आप बता रहे हैं कि उनकी तबीयत जब खराब हुई थी? नहीं, वो दुष्चक्र का सृष्टा की कविताएं तो उसके पहले की हैं, जो प्रतिनिधि कविताओं में एक रॉकलैंड हॉस्पिटल था जिसमें वो भर्ती हुआ था द्वारका में, पहली बार जब उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ वहीं ऑपरेट हुआ, तो रॉकलैंड डायरी करके उसकी कविताएं हैं जो प्रतिनिधि कविताओं में छपी, या रामपुर बाग या कानपुर पर उसकी कुछ कविताएं हैं, क्योंकि दस कविताएं हाँ कानपुर के बारे में 10 कविताएं हैं। वो उसी समय की कविताएं हैं जब जब वो अमर उजाला के कानपुर एडिशन के प्रधान संपादक थे, तो उस जमाने में ही पंकज चतुर्वेदी से भी उनकी मित्रता हुई, और पंकज ने बहुत अच्छी किताब स्मृतियों की, आख्यान की, और अद्भुत गद्य वीरेन डंगवाल के विषय में, यह तुम थे जो कविता है जो राजकमल से छपी, वो बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें उनकी स्मृतियों को, हम लोगों की स्मृतियां तो केवल आपके माध्यम से थोड़ा बहुत शेयर हो रही हैं और लिखा पढ़ा नहीं कुछ, लेकिन वीरेन डंगवाल के विषय में, और धीरे धीरे मैंने यह अनुभव किया कि वो उसने कविता की जमीन को पा लिया था, और वो एक बहुत मैच्योर कवि, ऊपर से बहुत खिलंदड़ लेकिन अंदर से उतना ही गंभीर, जैसे उजले दिन आएंगे जरूर उसकी एक कविता है जो 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 मेरे डायरी में कुछ उसके अंश लिखे हुए हैं, जरूर। आतंक से बिछी हुई हर ओर बर्फ है, हवा कठिन हड्डी हड्डी को टुटराती, आकाश
उगलता अंधकार फिर एक बार, संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती, होगा वह समर अभी होगा कुछ और बार, तब कहीं मेघ ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे, यह रक्तपात यह टकराहट जो मची हुई है, यह मार काट लोगों के दिल दिल को भरमा देने का जरिया है, जो अड़ा हुआ हमें डराता रास्ते पर लपटे लेता घनघोर आग का दरिया है। पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे, आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। तो ये मतलब इस तरह की उसकी कविताएं, और बड़े साधारण विषयों पर उसने पीटी उषा पर कविता लिखा है, उसने समोसा पर कविता लिखा है, उसने जलेबी पर कविता लिखा है। गफ्फार एक पान की दुकान थी हॉस्टल के समीप, उनके विषय में उसने गफ्फार पर कविताएं लिखी है। राम सिंह गफ्फार के पर, बेटे राम सिंह पर कविताएं लिखी है जो फौज से लौट रहे थे, और शाहजहांपुर के पास जो गंगा का दियारा है उस पर भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो बहुत साधारण विषयों पर, और जो कैंसर से जूझते हुए जो 29 कविताएं उसने लिखी, वो 29 कविताएं अद्भुत हैं। उसमें एक कविता जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक कविता क्या कई कविताएं, जैसे एक लहसुन पास में है तो कविता, सुनाइए। नहीं पास में तो नहीं है, या एक मेट्रो महिमा करके कविता थी उसकी, जो जो उसने स्वयं सुनाया था, वो नाक में उसके सारे यंत्र लगे हुए थे, इसके बावजूद उसने सुनाया था उस कविता को, मेट्रो महिमा। और विष्णु विष्णु खरे जी ने मेट्रो महिमा के विषय में लिखा था कि ये वीरेन डंगवाल के अलावा किसी की औकात नहीं थी कि इतनी अच्छी कविता, जो नई टेक्नोलॉजी के विषय में भी है, उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं, और इतनी मजबूत कविता और कोई कवि लिख नहीं सकता था। ये विष्णु खरे ने बाकायदे उस पर एक एक बहुत बड़ा लेख लिखा था वीरेन डंगवाल पर, क्योंकि विष्णु खरे अपने नाम के अनुरूप बहुत खरे थे, वो कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करते थे। और शुरुआती दिनों में मुझे स्मरण है कि विष्णु खरे वीरेन डंगवाल को बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अशोक सक्सेरिया के साथ कई बार विष्णु जी से मुलाकात हुई, लेकिन वो बहुत पसंद नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी कविताओं का, ये अद्वितीय कविताओं का, और इसके मित्र वीरेन डंगवाल के मित्र, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, लेकिन इनके मित्र बहुत ईर्ष्या भी करते थे। वीरेन डंगवाल इस ईर्ष्या और इस द्वेष का शिकार भी हुआ था अपने बहुत अंतरंग आत्मीय लोगों से, जिसने जिसके विषय में वो शायद बहुत कम लोगों से
एक हल्द्वानी के अशोक पांडे हैं, शायद उनसे चर्चा किया हो या मुझसे चर्चा किया हो, या कभी ज्ञान भाई से कभी कोई बात कहा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत दुखी था और उसे ईर्ष्या तापी, जो अब विशेष रूप से वो सारे बहुत बड़े कवि हैं जो उसको उसकी लेख पुलिंग करते थे, जो वो चाहते थे कि ये आदमी जिस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, क्योंकि 2004 में जब उसको दूसरे ही संग्रह पर, क्योंकि इसी दुनिया में ये पहला संग्रह था और दूसरा संग्रह था दुष्चक्र में सृष्टा, तो दूसरे ही संग्रह पर जब उसको साहित्य अकेडमी मिल गया, तो फिर ईर्ष्या तापियों का की जमात बहुत बढ़ गई, जो नाना प्रकार की अफवाहें फैलाते थे वीरेन के विषय में, लेकिन वो व्यक्ति ये जानते हुए कि ये मतलब ये शत्रुता रखते हैं मुझसे, ये मेरे लेखन को मुझे किसी तरह निचले पायदान पर लाना चाहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो कभी व्यक्तिगत रिश्तों को उसने कभी बीच में नहीं आने दिया। तो वीरेन डंगवाल ने अपनी कविता की जमीन को पाया और बहुत मशक्कत करके, बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, क्योंकि प्रारंभिक कविताएं उसकी थी जो जो बहुत कम लोग, जो इन 227 कविताओं में नहीं है, वो कविताएं बहुत भावावेश में, बहुत नॉस्टैल्जिया की कविताएं थी, वो उसने खारिज भी कर दिया उनको, उसको कभी ओन ओन नहीं किया कि ये उसकी प्रतिनिधि कविताएं हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कविता की जमीन उसने जो हासिल किया वो अद्भुत है। और के अलावा भी और कुछ उन्होंने लिखा? देखिए, वो गद्य भी शुरुआती दिनों में, तो वो कहानियां भी बहुत अच्छी लिखता था, और उसकी कुछ कहानियां लघु पत्रिकाओं में छपी भी। वीरेंद्र कुमार डंगवाल के नाम से, वीरेन डंगवाल तो ये उनका लिखने वाला नाम प्रचलित हुआ, लेकिन पूरा नाम उसका था वीरेंद्र कुमार डंगवाल, जैसे रघुनंदन प्रसाद डंगवाल और शिवनंदन प्रसाद डंगवाल, तो हम लोग उसको यही चढ़ाते थे कि तुम साले वीरेंद्र प्रसाद डंगवाल हो, लेकिन उसका नाम था वीरेंद्र कुमार डंगवाल। तो वीरेंद्र कुमार डंगवाल के नाम से कई कविताएं, कई कहानियां उसकी छपी लघु पत्रिकाओं में, अनास्था में, लहर में और छोटी पत्रिकाओं में, लेकिन पहली बार जो एक स्तरीय पत्रिका में, तो शैलेश मटियानी जी जो विकल्प निकालते थे, विकल्प में इसकी कुछ कविताएं छपी, हालांकि वो वही कविताएं थी जिसको जिसमें मैं कह रहा हूं कि बहुत भावना प्रधान कविताएं थी, बहुत प्रेम कविताएं थी, बहुत भावुक, बहुत नॉस्टैल्जिया से भरी हुई कविताएं थी, लेकिन और उसको बहुत बहुत एडिट भी किया शैलेश जी ने उसको, बड़े कठोर संपादक थे वो, उन्होंने संपादित करके उसको छापा, और बाद में
रमेश बख्शी ज्ञानोदय निकालते थे, तो उनका एक नौ लेखन अंक निकला, काफी शायद दो खंडों में निकला था वो। तो उसके पहले या दूसरे खंड में इसकी कुछ कविताएं पहली बार प्रकाशित हुई, भेजा इसने बहुत जगहों पर शुरुआत के दिनों में। शुरुआत में धर्मयुग से भी या साप्ताहिक हिंदुस्तान में जब मनोहर श्याम जोशी आए, तो मनोहर श्याम जोशी से कुछ पहाड़ वाला लगाव इसका वीरेन डंगवाल का था। उसके पहले बांके बिहारी भटनागर एक हुआ करते थे, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक थे उस समय तो नहीं, लेकिन मनोहर श्याम जोशी जब संपादक प्रधान संपादक हुए तो वीरेन डंगवाल की कुछ कविताएं उसमें छपी। और वो बोलता भी था कि वो केवल इसलिए छपे कि पहाड़ी पहाड़ी दोनों भाई मिल गए, नहीं तो कहाँ मेरी कविताएं। धर्मयुग में वो लगातार भेजता था, लेकिन उसकी एक भी कविता धर्मयुग में नहीं छपी। कल्पना में भारती भी नहीं, जी पसंद नहीं करते थे क्या उनको? भारती जी मतलब वो बिल्कुल नए लेखक थे, कोई पहचान तो थी नहीं, कोई पहचान कवि के रूप में इनकी वीरेन डंगवाल की तो बन नहीं पाई थी। उस समय पहचान बनी थी एक लीलाधर जगुड़ी की, धूमिल की, कमलेश की, तो लेकिन इनकी कोई पहचान इनकी या राठी की या अजय सिंह की, इन लोगों की कोई पहचान नहीं बन पाई थी। तो जाहिर है कि अब वो इतने सारे लोग धर्मयुग में भेजते थे कि नहीं छपे। ओम प्रकाश निर्मल थे कल्पना में, मुझे याद है कि इसने अपनी पांच कविताएं कल्पना में भेजा, और उन पांच कविताओं के विषय में राम स्वरूप जी ने रिकमेंडेशन भी किया एक पत्र के साथ, और मणि मधुकर उस समय कल्पना में आ गए थे, जो कविता वही देखते थे, मणि मधुकर शायद राजस्थान के थे वो, तो मणि मधुकर के नाम उन्होंने पत्र भी लिखा, लेकिन इसके बावजूद वीरेन की कविताएं कल्पना में नहीं छपी। लेकिन धीरे धीरे फिर आरंभ में विनोद जो आरंभ में निकालते थे उसमें उनकी कविताएं छपी, और पहल में छपी। पहल में ज्ञान भाई ने वीरेन डंगवाल की कई कविताओं को छापा, जबकि वो कविताएं उनकी प्रतिनिधि कविताएं नहीं थी, क्योंकि वो मैच्योरिटी अभी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक मैच्योरिटी एक वयस्कता हासिल किया वीरेन डंगवाल ने, जो एक अच्छा लक्षण भी है कि ये नहीं कि रातों रात जैसे कोई महाकवि हो जाए। बहुत धीरे धीरे इनकी जो भी आज कविताएं या प्रतिनिधि कविताएं 112 कविताओं का जो संकलन है उसमें बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कविताएं छूट भी गई हैं जो जो शायद आनी चाहिए थी, लेकिन अब उसमें एडिटर पंकज चतुर्वेदी थे और उनके परिवार के लोगों ने, जो उनकी जीवन संगिनी है रीता भाभी, या दोनों पुत्र प्रशांत और प्रफुल्ल, इन दोनों का मतलब इन तीनों लोगों का भी चॉइस रहा होगा। तो लेकिन 112 कविताओं के अलावा भी 8-10 कविताएं उसकी
ऐसी और थी जो, और सबसे बड़ी विशेषता जो जो वीरेन डंगवाल, क्योंकि जहां कविता का अंत करता था वो कविता, उसके आगे कविता पढ़ाई नहीं जा सकती। मतलब ये नहीं कि आप उस कविता को और विस्तार दे दें, उस कविता का अंत वही होना था। तो अंत भी और छोटी छोटी चीजों पर कविताएं लिख के, और बहुत बड़े बड़े विषय, मतलब जो हाशिए पर लोग थे, जो लोग, ये लहसुन कविता जिसकी मैंने चर्चा किया अभी, लहसुन अद्भुत कविता। एक लामा ने लहसुन के, ईसा के भी एक शताब्दी पूर्व, कैसे लहसुन के पौधे को निकाला, लामा थे, बौद्ध लामा थे, लेकिन उस कविता में आता है कि चूंकि वो बौद्ध लामा की खोज थी, उनका नाम बहुत कठिन नाम है, मुझे याद नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों ने कुलीन परिवारों में लहसुन का प्रयोग, ये मना कर दिया कि लहसुन का प्रयोग जो है वो उचित नहीं है। वो तो आयुर्वेद ने लहसुन को औषधीय गुणों के कारण, लहसुन की उपयोगिता के विषय में पूरे संसार को बताया। तो मतलब वो लहसुन के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म की या जाति व्यवस्था पर भी प्रहार करते हैं। वो जो हाशिए पर लोग हैं, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके प्रति, उनके मन में, वीरेन के मन में एक सहज स्नेह है जो बिल्कुल भरा हुआ है, लबालब है। लेकिन उसके लिए वो नहीं कि उसके लिए स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं है। कविता, वीरेन की कविता बिल्कुल स्टेटमेंट से विहीन, बिल्कुल सपाट ढंग से कही गई, और लय और छंद और ध्वन्यात्मकता और पोएटिक डिक्शन से भरी हुई बहुत अच्छी कविताएं उसने बाद में लिखा, और और 68 साल की अवस्था में ही जी देहांत हो गया। नहीं तो अभी सृजन का कितना कर्म उसके द्वारा और संपादित होता, और मैच्योर कविताएं निकलती। तो लेकिन आपने आपने समय निकाला वीरेन जी पर बात करने के लिए, उसके लिए आपका जी बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हम लोग आगे भी संवाद बहुत जारी रखेंगे।